मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हिंदू रीति रिवाजों का वैज्ञानिक आधार इस सीरीज के 10वें वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि हमें स्नान करके भोजन करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में, आज की भागदौड़ भरी लाइफ में इसकी क्या महत्ता है? क्या आज के वैज्ञानिक युग में हम ऐसा मान सकते हैं कि खाना खाने के लिए नहाना पहले जरूरी है? क्या नहा के ही हमें खाना खाना चाहिए या कभी भी खा सकते हैं? वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं? जैसा कि आप सबको पता ही होगा, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना बिल्कुल ही वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करके पवित्र होकर ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना पशुओं के समान है और अपवित्र माना जाता है, तथा ऐसा करने से देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्नान करने से शरीर की गंदगी निकल जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तथा शरीर में नई ताजगी और स्फूर्ति आती है, एक्टिवनेस आ जाता है। स्नान करने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको भूख लग जाती है। भूख लगती है तो आप ज़्यादा खाते हैं और अच्छे से खाते हैं। उस समय भोजन करने से भोजन का रस जो होता है शरीर के लिए पुष्टिवर्धक होता है, जबकि स्नान करने से पूर्व खाना खाने से पेट की जठराग्नि जो होती है वो खाना को पचाने में लग जाती है। अपने खाना खा लिया और आपका खाना पेट में पहुंच गया और जठराग्नि जो होती है वो खाना पचाने के लिए लग गई। अब आप खाना खाने के बाद स्नान करने चले गए, जिससे कि आपकी शरीर जो है पूरी की पूरी शरीर ठंडी हो जाएगी। स्नान करने से ठंडी हो जाती है शरीर, जिससे जो जठराग्नि है वो कमजोर पड़ जाती है और खाना सही से पच नहीं पाता है। और खाना सही से पच नहीं पाता तो उससे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। इस कारण हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा लिखा है कि हमें स्नान करने के बाद ही खाना चाहिए। उससे जो भी खाने में पौष्टिक चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को सीधे सीधे मिल पाती है। आज के वैज्ञानिक जमाने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।